इतनी मिट्टी निकली है यहाँ से और ये पूरी चेन जंग खा रखी है। तो ये मुझे इसे लुब्रिकेट कराना बहुत जरूरी है गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आ चुका हूँ फिर एक छोटी सी राइड पे, एंड राइड के साथ साथ मुझे छोटा सा काम भी है। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ किसी इंपॉर्टेंट काम से, एंड आप टाइम दे सकते हो 5:24 हो रहा है। एंड जो इम्पॉर्टेंट काम है गाइस, वो मैं आपको ऐसा करता हूँ दिखाई देता हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि जब तक मैं बोलते बोलते जाऊँगा तब तक मैं मंजिल पर पहुँच भी जाऊँगा। तो गाइस अभी जो है मुझे एक बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है अपनी बाइक में, जो कि है इसकी चेन। गाइस आप देख सकते हो चेन पूरी जंग खा रखी है, एंड मैं नीचे से भी दिखाऊं तो पूरी चेन में जो है जंग लग रखा है। तो इस कारण से ये जो हुआ है गाइस, सबसे पहले जो रीज़न मैं बताऊं आपको, ये चेन में जंग क्यों लगा है, क्योंकि अभी बरसात थी तो रोड पे पानी भरा रहता था, तो जिस कारण से इस पूरी चेन जो है जंग खा चुकी है, एंड बिल्कुल भी एक बूंद ऑयल नहीं है, एंड पूरी आई थिंक पूरी रेड रेड सी भी हो रखी है बीच से। तो ये मुझे इसे लुब्रिकेट कराना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो फिर इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा एंड आगे आके मुझे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं इसे घर पे ही ल्यूब कर लूँगा, लेकिन फिर मेरे माइंड में एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया। तो फिर गाइस मेरे माइंड में एक चीज़ आया कि उस चीज़ मतलब उसके लिए मुझे इसे भी खोलना पड़ेगा, लेकिन इसका जो स्क्रू ड्राइवर जो भी इसका टूल बॉक्स होता टूल है वो मेरे पास है नहीं। तो मैं घर पर ना करके सीधा मैं किसी मैकेनिक के पास ही जा रहा हूँ कि भाई वही कर देगा चेन ल्यूब। तो गाइस चलो अभी चलते हैं कहीं मैकेनिक वकैनिक ढूंढते हैं जो भाई अपनी बाइक के चेन को ल्यूब कर ले। गाइस मैं उसी दुकान में आता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वो लगवाए थे ना साइड मिरर, उन्हीं के पास जाके पूछता हूँ भाई चेन ल्यूब हो जाएगा कि नहीं होगा। भैया चेन ल्यूब्रिकेंट मिल जाएगा? तो गाइस चेन ल्यूब तो मिल गया भाई, सही है 170 रुपीज़ का ही है। अब बस मेन ये है कि अच्छा नीचे इसका ये देखियो, इसमें ये खोल के भी करना है। हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ क्योंकि अंदर भी तो होगा ना, बाहर तो फिर मैं ही कर दूंगा। ये खोल के करना है, क्लीन करने की जरूरत भी है? क्लीन करा लो आगे से, मुझे तो क्लीन करा लो यार। कितना खर्चा कितना आएगा? 1000 रुपया आएगा। हाँ तुम वैसे करो, हाँ ठीक है फिर यार, हाँ करो बस क्लीन भी करवा दो। कर दूँ? हाँ कैस्ट्रॉल का चेन ल्यूब है, मेरे पे टूल नहीं था ना, तो मैं खुद ही कर लेता चेन ल्यूब ना, तो इसलिए लेके आया मैं यहाँ तक। पूरी सूखी पड़ी है, ओह हो, चेंक ले। हाँ तभी तो लाया मैं, अभी मुझे लंबा जाना है ना कहीं बाहर, तो इसलिए अच्छा मैं देखने आ गया, करवाने आ गया। तो गाइस ये देख लो भाई क्या हाल है, इतनी मिट्टी निकली है यहाँ से और ये पूरी चेन जंग खा रखी है। थैंक गॉड भाई मैं लेके आ गया इस बाइक को यहाँ पे। ये साफ कैसे होगा? ये भाई पूरी सूख रखी है ना चेन। अच्छा पेट्रोल से करने वाले हैं। है उसमें पेट्रोल? मुझे पता भी नहीं है कि नहीं है। ओहो देसी जुगाड़।
भाई साहब गाइस चेन क्लीन हो गई भाई, देख रहे हो क्या हाल, मतलब इतनी मिट्टी और गंदगी निकली। और ये सब तो घर पे हो भी नहीं सकता है वैसे यार, अब थोड़ी साफ भी लग रही है। अगर मैं इसे घर पे करता तो ये मतलब पॉसिबल ही ना पता। मैं सोच रहा था पहले सिर्फ गाय से यहीं पे वो कर दूँ, ल्यूप लगा दूँ, लेकिन अंदर इतनी गंदगी तो फ़ायदा होता नहीं। और थैंकफुली मैं यहाँ पे आ गया भाई। ल्यूब है अब एक बार देख लेते हैं गाइस। देखो यहाँ से देखो कितना क्लीन हो गया है एंड चेन भी अब पूरी सही हो गई है। और थोड़ा बहुत घर जाके मार दूंगा एक बार ल्यूब ना। तो गाइस फाइनली अपना हो गया भाई चेन ल्यूब। अरे यार एक चीज़ कराना रह गया गाइस, यार इसका ये टाइट कर दियो, ये ना ढील वो हो गया इसका, ये हाँ यहीं से लगवाया था ना पहले भी। अच्छा तुमने लगाए थे यार, ये भी इतना काम करवा के जा रहा हूँ तो भाई ये भी करवा ही लूँ। इधर वाला भी कर देना है। ये वाला भी कर दिया यार। अरे तुमने लगाया था ये पहला? अच्छा ठीक है। तो गाइस अब जाके अपना सारा काम हुआ है भाई, क्या मारुति 800 का क्या मस्त बना रखा है गाइस, व्हील चेक कर रहे हो भाई। तो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं फिर आपसे एक बार बात करते हैं। या तो सरदार जी फोन चला लो या रोड क्रॉस कर लो भाई। तो गाइस अभी जैसा कि आपने देख ही लिया है चेन ल्यूब आपके सामने हुई है। तो गाइस सही बताओ अभी डिफरेंस बहुत फील हो रहा है। अभी जैसे मैं ऐसे रेज देता था तो भाई ऐसे आवाज़ आती थी चेन सेट से, और अभी कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही है। तो सही है, एक बार मैं यहीं पर रुक के एक बार देख लेता हूँ। ओके तो भाई टायर तो वैसे गंदा हो गया बट ठीक है, चेन अब पूरी क्लीन हो चुकी है। आप देख सकते हो पहले पूरी जंग खाई और अभी में कितना डेरा डिफरेंस है। एंड गाइस अब बाइक स्मूथ भी चल रही है भाई। अब मैं अगर झटके से गाइस पिकअप भी पकड़ रहा हूँ तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वैसे मैंने उससे पूछा लड़के से कि अगर चेन ल्यूब ना हो तो कोई दिक्कत होती है, उसने बोला वैसे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन चेन अगर टूट टाट सकती है तो भाई करा लिया अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे कुछ टाइम में मुझे थोड़ी लंबी राइड पर भी जाना है तो मे बी मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई पहले तो। तो गाइस मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी गाइस, तो अभी जो है
इस महीने के एंड में जो है मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरा पूरा जो टारगेट है मेरा वो ये है कि गाइस हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए जल्द ही, इसी महीने के एंड से पहले ही, बल्कि मैं आपको डेट बताता हूँ गाइस, आई वांट 1K, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए 24 तारीख तक। एंड आप जो ये वीडियो देख रहे हो गाइस, वो देख रहे हो आप 20 तारीख को, तो 4 दिन, इस वीडियो को अपलोड करने के 4 दिन बाद तक मेरे पे टाइम होगा, मुझे जो है तीन दिन बोलूँगा मैं, तो 3 दिन का टाइम होगा मुझे भाई, पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो जो भी वीडियो पूरी देख रहा है, जो वीडियो अभी देख रहा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो मेरा जो मेन टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो पूरा हो जाए। एंड उसके बाद गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ मैं रिवील कर देता हूँ, अब जो है मैं गाइस पेट्रोल भराने जा रहा हूँ, तो जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी गाइस अपनी बाइक के माइलेज को लेके, मैं अपनी बाइक का पूरा माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि पूरे 2 साल बाद, पूरे मेरी बाइक को पूरा 2 साल हो चुका है, एंड अब हम फिर से माइलेज टेस्ट करेंगे, लेट्स सी कितना आता है। तो चलो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा, मैंने आज जो है अपना चेन, बाइक की जो चेन है वो क्लीन करवा ली, एंड चेन ल्यूब भी करा ली, एंड आपको एक प्रॉमिस भी करा है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो अपनी माइलेज टेस्ट के ऊपर लाऊंगा अपनी बाइक के। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। एंड मैंने भी आपको एक चीज़ कहा है गाइस कि 24 अक्टूबर तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जो जो देख रहा है बस वो सब्सक्राइब कर दो, आराम से हमारे जो है गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आई थिंक हम 950 के आसपास या 945 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो बस 55 और चाहिए, 55 या 60 के अप्रॉक्स और चाहिए।